मीनाक्षी रावत व्लॉग्स। काफी सुंदर जगह है ये, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रही हूँ। आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? 20 साल से। हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए थैली सैर। तो मैं, भैया श्रेया, बुआ और भैया, दो भैया, हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए थैली सैर। और तैयार व्यार हो चुके हैं हम, ये भी श्रेया और ये भी तैयार हो चुकी है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, बुआ भी तैयार हो चुकी है। और अभी बस निकलने ही वाले हैं हम थोड़ी देर में, और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि रास्ता कहाँ है, कैसा है और कैसा है हमारा थैली सैर। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो ये रही बुआ, बुआ भी रेडी हो चुके हैं एकदम पहाड़ी धोती पहन के, और हम भी रेडी हो चुके हैं, सुंदर सुंदर बन चुके हैं। मैं और बुआ हम जा रहे हैं थैली सैर। बुआ हमें थैली सैर घुमाने ले जा रही है, अपने काम से जा रही है ये, हमें नहीं ले जा रही है। और ये देखो, हम अभी नौगांव में हैं, भैया भी आ चुके हैं, अब सभी रेडी हो चुके हैं, बस अब निकलते हैं थोड़ी देर में और पहुंचते हैं थैली सैर, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये सफ़र। तो बैजरों से होते हुए जा रहे हैं हम थैली सैर को, ये बैजरों वाली रोड है, बैजरों से ऊपर को जा रहे हैं। और यहाँ पे ये PWD द्वारा नया बस स्टैंड बन रहा है, तो ये बैजरों ही है। तोलियो गांव पे पहुंच चुके हैं, बैजरों क्रॉस करके आगे को, यह है तोलियो गांव, तोलियो। इस गांव के बाद रस्ते में काफी सारे गांव पड़े, यहाँ पे अभी हम उतरे हैं, यहाँ पे एक झरना टाइप का नदी बह रही है, ये पूर्वनयार नदी ही है। और एक यहाँ पे मंदिर है, ये शायद शिव जी का मंदिर है, समझो लग रहा है। ये यहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा सा, काफी दूरी पे है क्योंकि हम ऊपर से ही ले रहे हैं इसको। तो ये गौणी छीरा जगह है, झील है यहाँ पे ये, और बहुत ही प्यारी लग रही है, ग्रीन ग्रीन वाटर है वहाँ पे, और वो काफ़ी दूर है, और आई डोंट थिंक वहाँ पे जाने का कोई एक ईजी सा रास्ता है। और यहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े यू नो चट्टाने, और यहाँ पे हम रुके हुए हैं सारे के सारे। हाय बोलो सब, चलो चलते हैं। हाय हाय। ये देखो कैसे पहाड़ है यहाँ पे, मस्त मस्त। अब यहाँ से 7 किलोमीटर। तो इन पेड़ों, पहाड़ों और नदी के रास्ते से होते हुए हम पहुँच गए हैं थैली सैर। अभी हम पहुँच चुके हैं थैली सैर में, आप देख सकते हो कि ये है थैली सैर का मार्केट। अभी मतलब एंट्री ली है हमने पीछे से, जो अगर आपको गेट दिख रहा है तो वहाँ से हमने एंट्री ली है। अभी ऊपर मार्केट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या है थैली सैर में। तो आप देखिए मेरी नज़र से थैली सैर को। तो ये गेट है काफ़ी बड़ा सा, ये किसी मंदिर का गेट लग रहा है, और काफ़ी सारे शॉप्स हैं, लोगों का आवागमन हो रहा है यहाँ पे। तो ये गेट है यहाँ पे मंदिर का, और ये हम ले रहे हैं एंट्री यहाँ से। काफ़ी चहल पहल है मार्केट में, लोग आ जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे, शॉप्स हैं काफ़ी सारी हर चीज़ की ऑलमोस्ट। यहाँ पे लॉज, होटल एंड लॉज है, SBI बैंक, और मेरे नाम का फास्ट फूड कॉर्नर भी है यहाँ पे, मीनाक्षी फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। देखो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, आई गेस इनका लंच होगा, लंच टाइम तो नहीं होगा यार, 10:30 बज रहे हैं। नहीं यार, आजकल मॉर्निंग का स्कूल होता है। तो यहाँ पे है बुआ का काम, गैस सिलेंडर का, HP गैस सिलेंडर। यहाँ पे भैया जा रहे हैं, बुआ का काम यहीं पे है और बुआ आ रही है। और ये है मार्केट, ये है हमारा थैली सैर। थैली सैर, इस जगह को थाली नाम से भी पुकारते हैं लोग। सैर मीन्स वो एक पहाड़, जिसे गढ़वाली में सैर बोलते हैं, तो इसलिए इस जगह का नाम थैली सैर हो गया। ये है यहाँ का आदर्श विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज थैली सैर, पौड़ी गढ़वाल। बच्चे आ रहे हैं
स्कूल से एंट्री एंड एग्जिट चल रही है बच्चों की। काफ़ी सुंदर जगह है ये, ये ऊपर से नीचे का नज़ारा है। तो यहाँ पे ये जलेबी की शॉप है, काफ़ी दिखने में सुंदर और टेस्टी जलेबियाँ। ये इन भैया की शॉप है। तो आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से ये शॉप है इनकी यहाँ पे। तो आप ये कभी आइए यहाँ पे और जलेबियों का आनंद लीजिए आके। यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं और बहुत ज़्यादा शायद। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके, और काफ़ी सुंदर जगह है ये। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। भैया हमें यहाँ पे लेके आए, फाइनली हमारे बहुत दिनों से प्लान कैंसिल हो रहे थे। रोज़ सोच रहे थे थैलीसैंड जाएंगे पर जा ही नहीं पा रहे थे। तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे, और आप भी देखिए कि कितनी सुंदर जगह है ये। काफ़ी सुंदर पहाड़ और सब कुछ ग्रीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। तो यहाँ पे ये स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज है थैलीसैंड का, और बच्चे आ जा रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी ये समर्स का टाइम है, तो शायद स्कूल सुबह का ही होगा, तो शायद लंच टाइम है इनका, तो इसलिए ये एंट्री एग्जिट चल रही है बच्चों की। तो ये स्कूल है, बिल्कुल मेन मार्केट में ही है ये। और ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रीन ड्रेस है, बच्चे मुंह छुपा रहे हैं अपना, इतने शर्म आ रही है, शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं वो अपनी। दे डोंट वांट टू एक्सपोज देयर फेसेस। अभी हम आगे जा रहे हैं, पीछे का हमने जितना मार्केट था वो कवर कर ही लिया है। अब हम आगे आगे जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि आगे क्या है। आगे भी मार्केट है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। बैजरों से ज़्यादा बड़ा मार्केट है ये, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि बैजरो बड़ा मार्केट है, बट थैलीसैंड बैजरों से भी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की गलियाँ और दुकानें। और ये कॉलेज के बच्चे हैं जो ये मेहरून टाइप की जो ड्रेस है ना, वो कॉलेज वाले हैं। जो ग्रीन वाली ड्रेसेस में हैं वो स्कूल के बच्चे हैं। रामनगर में भी ऐसी शॉप्स हैं, तो उस तरीके का ही कुछ है, बट थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ों वाला एक सुकून और पहाड़ों वाला एक एनवायरनमेंट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। तो वो जो वहाँ पे येलो वाली बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, इधर से हम आए हैं घूम के पूरा, और यहाँ से यहाँ का नज़ारा ये रहा। तो अभी हम जा रहे हैं डिग्री कॉलेज की तरफ में, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि डिग्री कॉलेज में मतलब क्या क्या है, क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। वैसे मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, बट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या है, कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और कैसे यहाँ का डिग्री कॉलेज है थैलीसैंड का। तो ये वेदी खाल के बाद ये सेकंड नंबर का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दूर से। तो ये ऊपर से नीचे का नज़ारा, काफ़ी सुंदर सा पहाड़, और यहाँ की हवा तो एक अलग ही प्लस पॉइंट है, काफ़ी ठंडी हवा। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मतलब चट्टान टाइप के पहाड़ हैं, और उधर भी थे पहाड़, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऊँचे पहाड़ हैं। पेड़ देखो कितने ऊपर है, बहुत ही मस्त नज़ारा है, सुंदर, अति सुंदर। तो भैया आगे से जा रहे हैं, तो अभी हम पैदल चल रहे हैं, अभी तक कॉलेज नहीं आया, तो काफ़ी दूर है कॉलेज। और चलिए चलते हैं, अगर कोई बात करता है तो उनसे बात करेंगे, बट अभी तो अगर आपने देखा होगा तो लोग ऐसे मुंह छुपा रहे अपना, कोई हैंकी से कुछ इस तरीके से। सो दे आर नॉट वेरी इंटरैक्टिव काइंड ऑफ पीपल, दे आर फीलिंग अ बिट शाय। सो लेट्स सी क्या होता है, फिर भी हम दिखाते रहेंगे आपको, आप बने रहिए मेरे साथ में, आप देखते रहिए। बहुत ही मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडा। भैया भी सीनरी ले रहे हैं, और श्रेया भी। थैलीसैंड आप देख सकते हो पीछे लिखा हुआ है, थैलीसैंड 0 किलोमीटर। तो ये कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, और दूर से दिखाती हूँ, तो ये है कॉलेज आई गेस सो, क्योंकि बच्चे दिख रहे हैं वहाँ पे, बिल्डिंग है येलो, तो आई एम जस्ट गेसिंग। ऊपर से पानी आ रहा है, काइंड ऑफ वाटरफॉल, एंड इट्स नेचुरल, क्योंकि जैसा कि अगर आपको दिख रहा होगा तो, क्योंकि वो काफ़ी दूर पे है एंड माय फ़ोन इज़ नॉट एबल टू कैप्चर इट प्रॉपरली। सो
ऊपर से आ रहा है वाटरफॉल, काइंड ऑफ पानी बह के आ रहा है ऊपर से, बच्चे जा रहे हैं। तो ये है वाटरफॉल, यहाँ पे आ रहा है वो पानी बह के कॉलेज के। शर्म आ रही है उन्हें। ये है राजकीय महाविद्यालय थलीसैन पौड़ी गढ़वाल, जेंटर ले रहे हैं यहाँ पे। और ये है कॉलेज की बिल्डिंग, उधर भी है। और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये बिल्डिंग है यहाँ की, द व्यू फ्रॉम हेयर यू कैन सी सो ब्यूटीफुल। ये कॉलेज का ग्राउंड है, आई डोंट नो वेदर वी आर अलाउड टू कम हेयर और नॉट इन द प्रमाइस, बट वी जस्ट केम। तो काफ़ी सुंदर फूल लगे हुए हैं कॉलेज प्रांगण में। तो ये है कॉलेज की बिल्डिंग, और ऊपर भी है ये बिल्डिंग, और यहाँ से कॉलेज से नीचे का नज़ारा ये है। कॉलेज तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी जगह पे एक्चुअली लोकेटेड है, सो ब्यूटीफुल। जो बच्चे हैं यहाँ के वो थोड़े से, उनको शर्म आ रही है बात करने में, दे आर नॉट वेरी इंटरेक्टिव एज आई टोल्ड यू। तो मैंने उनसे पूछा, तो यहाँ पे सिर्फ बीए, एमए और बीएससी अवेलेबल है, जो कि हमारे वेदी खाल के कॉलेज में अवेलेबल नहीं है बीएससी, इसलिए हमारे उधर के बच्चों को इधर ही आना पड़ता है बीएससी के लिए, अगर उन्हें बीएससी कोर्स ऑप्ट करना है तो। बट यहाँ पे बीएड अवेलेबल नहीं है, वेदी खाल वाले डिग्री कॉलेज में बीएड अवेलेबल है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू डिग्री कॉलेजेस। या दैट्स इट, बाकी दिखाते हैं आगे क्या क्या है। और ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड है 246285। हाँ जी हाँ जी, ये मुझसे पूछ रहे थे कि व्लॉग बना रहे हो, मैंने बोला हाँ जी। और ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटा सा क्यूट सा। और ये गैस, एचपी गैस का ऑफिस, मार्केट में आपको दिखा ही चुकी हूँ, कॉलेज दिखा दिया, थलीसैन घुमा दिया मैंने आपको अपनी नज़रों से। तो अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मैंने तो ये छोटी सी क्यूट सी फ्रूटी ली है, और ले रही थी श्रेया ने लिया ये माउंटेन ड्यू। ये सही आई है तेरे लिए, स्ट्रीक्स बना रही थी इसकी, स्ट्रीक्स की बेइज्जती हुई, पर अब बना ले मुझे जो बना। अभी बैठे हुए हम, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट काइंड ऑफ चिप्स ले लो ऊपर से ना। तो अभी समोसे मंगाए हैं, समोसे खाते हैं, नंबर रुक गया, खाते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं बाय। तो यहाँ से नीचे घरों में जाने का रास्ता है, नीचे पूरे घर बसे हुए हैं, और ये पूरा मार्केट एरिया है। यहाँ पे सारे जो घर हैं वो सारे पक्के मकान हैं, लेंटर वाले मकान हैं, कोई भी ऐसे पुराने गांव वाले मकान नहीं है। इधर से नीचे जाने का रास्ता है, और ये श्रेया आ रही है, यहाँ से आपको दिख सकते हैं जैसे कि लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कंडली लगी हुई है, तो यहाँ से इन सीढ़ियों से नीचे आए हम। और बुआ यहाँ पे चाय की चुस्की लेते हुए। तो अब स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, तो इतनी ज़्यादा शोरगुल हल्ला गुल्ला चहल पहल हो रही है, और हम अब जा रहे हैं घर के तरफ, घर चल रहे हैं अब हम। चलिए आप भी हमारे साथ। हाँ जी, यूट्यूब मीनाक्षी रावत व्लॉग्स। से कुछ लोग पूछ रहे थे, तो कोई मुझसे पूछ रहा था ये यूट्यूबर चैनल का नाम बताओ, तो मैंने बता दिया। और अब चल रहे हैं हम, फिर से वहीं पर आ चुके हैं। ऊपर की तरफ पे भी है कुछ, पर आई डोंट नो क्या है। यहाँ पे ये मंदिर है, गेट से एंट्री करके अंदर को ये वाला एक मंदिर है। यहाँ पे टैक्सीज लगी हुई हैं, यहाँ से घर जाने के लिए आपको टैक्सीज मिल सकती है। तो सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, और मैं भी बैठती हूँ, और चलते हैं घर। गाड़ी काफ़ी गर्म हो चुकी है धूप में, बहुत ज़्यादा बैठ गए हैं, चलते हैं घर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अब सीधे मिलते हैं आपको घर पे, बहुत रास्ते दिखाते हैं आपको। सब लोग बैठ चुके हैं पीछे, और अब हम चलते हैं। अरे अरे भैया, घर पे मिलते हैं आपको सीधे, बाय। तो ये भैया यहाँ पे पानी पी रहे हैं, ये देखो नेचुरल नेचुरल पानी का स्रोत, यहाँ पे पानी का धारा।
पानी की धारा है ये, यहाँ से आ रहा है। फाइनली श्रेया पहुँच गए घर। आप नहीं पहुँचे, आप आइए तो हम घर पहुंच चुके हैं और आज का ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और बने रहिए, देखते रहिए मीनाक्षी रावत ब्लॉग्स। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।